हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और इससे हम कैसे जल्दी से जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आप अपना थोड़ा सा टाइम दे करके पूरा देखेगा तो ये आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग यानी कि आपकी लाइफ को बदलने वाला वीडियो हो सकता है। इसलिए आपको 4-5 मिनट तो आपको इस वीडियो को देने चाहिए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और हमें भी थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बात कर रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, यानी कि आइंस्टीन ने भी कहा था कि 8वां जो अजूबा है वो क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। आखिर ये होती क्या है और कैसे वर्क करती है, हमें करोड़पति बनाने में हमारी क्या भूमिका निभाती है, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैथमेटिकल फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। लेकिन मैं आपको सिंपल जो एक लैंग्वेज होती है उसमें बता देता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको कंपेरिजन कर देता हूँ कि जब आप FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो आपकी फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या पता है 5% 6% आपको इंटरेस्ट मिलती है एनुअली। यानी कि यदि आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए FD के अंदर और मान लीजिए आपकी रेट है 6%, तो आपका एक साल बाद आपका पैसा कितना हुआ, 1,06,000 रुपये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब एक साल और रखा रहेगा तो आपको फिर कितना हो जाएगा, 1,12,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 6% एनुअली है ना, तो 1,12,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, चक्रवर्ती ब्याज होती है जिसको हम कहते हैं, वो कैसे काम करती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो काम करती है कि आपने 6% पर सपोज दैट आपको एनुअली रिटर्न मिल रहे हैं, तो आपने 1,06,000 यानी कि 6% का 1,06,000 रुपये, तो 1,06,000 रुपये हो गया आपका एक साल के लिए। लेकिन अगले साल जैसे ही वो उस पर 6% लगेगा तो वो 1,00,000 पे काउंट नहीं करेगा, वो करेगा 1,06,000 का 6%, यानी कि कुछ अमाउंट बढ़ के आएगा, यानी कि आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुकी होगी पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। अब इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आखिर क्या सीन होता है हमें करोड़पति बनवाने में, तो देखिए क्या होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से फायदा ये होता है हमारा, जैसे कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे वो इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना हो, शेयर मार्केट में करना हो या म्यूचुअल फंड में करना हो, हम इन तीनों चीज़ों में अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड में SIP करने से हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है। सबसे पहले समझ लेते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड मान लीजिए आप एक संगठन होता है, जो एक वहाँ पे एक मैनेजर होता है, एक एक्सपर्ट बैठा होता है, वो हमारे पैसे को सपोज दैट ए पर्सन है उसने पैसा लगाया 1,000 पर मंथ, दूसरा बी पर्सन है उसने लगाया 3,000 पर मंथ, एक सी पर्सन है जिसने लगाया 10,000 रुपये पर मंथ, इन सबका पैसा एक फंड मैनेजर जो होता है, म्यूचुअल फंड वाला जो मैनेजर होता है, वो पैसे को लगाता है मार्केट के अंदर, और वो मार्केट में चाहे इक्विटी में लगाए, बॉन्ड्स में लगाए, सिक्योरिटी बॉन्ड्स में लगाए, तो इस तरह से अलग अलग पैसा लगता है। तो फंड मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि उस पैसे को जो हमारा पैसा लगा रहा है, क्लाइंट का पैसा लग रहा है, उस पर अच्छे रिटर्न दिलवाने की। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम SIP स्टार्ट कर देते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है कि आपको हर मंथ एक निश्चित अमाउंट जो आप चाहते हैं वो कटता है आपके अकाउंट से, ऑटोमेटिकली कट जाता है, और जिस तारीख को चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है आपके जरिए कि आप 10 तारीख को चाहते हैं पैसा कट जाए या आपको 5 तारीख को चाहते हैं पैसा कट जाए आपके अकाउंट से। तो जो निश्चित अमाउंट होता है वो आपकी एक पर्टिकुलर तारीख को, डेट महीने की एक फिक्स डेट को, वो पैसा कट के म्यूचुअल फंड की कंपनी में चला जाता है और वहाँ से वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है आपका शेयर मार्केट में। तो इस तरीके से आपका ये पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। अब इसमें वर्क कैसे होता है, इसमें वर्क ये होता है कि जैसे सपोज दैट आपने 1,000 रुपये पर मंथ की आपने SIP स्टार्ट कर दी 1,000 रुपये पर मंथ की, तो आपका इस पर एनुअली रिटर्न जो मिलेगा करीब 14% 15%। अब ये डिपेंड करता है कि किस कहीं 20% मिल रहा है, 30% मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, मिड रेंज टर्म के लिए, तो कई सारे म्यूचुअल फंड के तरीके होते हैं, कई सारे वो होते हैं। तो आप देखेंगे कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिसमें 35% 39% तक भी रिटर्न मिले हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है, जितना फायदा उतना रिस्क होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिस्क लोगे लेकिन उतना ज़्यादा फायदा भी होता है। तो इस तरह से हमारा पैसा क्या होगा एनुअली, जैसे सपोज दैट 14% पे हमें म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको 1,000 रुपये जो आप ईयरली डालेंगे तो आपका जितना पैसा इकट्ठा हुआ, 1,000 रुपये पर मंथ देंगे 12,000 रुपये हुए, तो उसका करीब अराउंड देखते हैं तो 14% आपका पैसा मिल जाएगा। तो यानी 14% वो पैसा जो आपका प्रॉफिट हुआ वो आपके एक्चुअल प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा,
और फिर उस पर ब्याज पे पैसा मिलेगा, टोटल मूलधन प्लस ब्याज में मिलेगा, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है। तो इस तरीके से हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और इसी से हम करोड़पति बनते हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिकली मोबाइल के अंदर आपको समझाऊंगा कि आखिर वर्क कैसे करता है और कैसे हमारा पैसा करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए, कैपेसिटी आपकी कुछ भी हो, चाहे मंथली आप 500 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, 1000 रुपये कीजिए, 10000 रुपये मंथली कीजिए या 50000 पर मंथ कीजिए, ये कैपेसिटी आपके ऊपर होती है। तो आपको करना क्या है, आप कोई भी कैलकुलेटर ले लीजिए मोबाइल के अंदर और मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर खोल लीजिए, SIP कैलकुलेटर, SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए ब्राउजर के अंदर और वहाँ पे आप ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो चीज़ करके देखिए आप, ठीक है। तो मैंने स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी कैपेसिटी है मंथली, तो मान लीजिए मेरी मंथली कैपेसिटी है 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने की, तो 5000 रुपये हर मंथ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो मैं 14% ले लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली 14-15% मिल जाता है हमें मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में जब भी आप पैसे डालते हैं। तो 14.1% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको जीरो को मैं 1 को उठा देता हूँ, राइट। अब आप देख सकते हैं कि 5000 रुपये पर मंथ 14% का एनुअली रिटर्न से मुझे कितना पैसा मेरा जमा हो गया, इन्वेस्ट हो गया, 6 लाख रुपीज़ मेरा इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। और उस पर मुझे फिर कितना पैसा मिला, 7,10,000 रुपये का मुझे रिटर्न मिल गया उस पर। तो टोटल जो मेरा रिटर्न मिलेगा कितना मिलेगा, 13 लाख रुपये मिल जाएंगे मुझे, यानी कि 6 लाख मेरे जमा हुए 10 साल के अंदर और 13 लाख रुपये मेरे टोटल मिल जाएंगे, ठीक है। अगर यही वाला अमाउंट आप 20 साल के लिए कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 20 साल के अंदर आपका पैसा 12 लाख जमा हुआ, डिपॉजिट हुआ 12 लाख, उस पर आपको 53 लाख रुपये मिल गए और टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 65,81,000 समथिंग आपको पैसा मिल जाएगा 20 साल के अंदर। अगर आप इसी पैसे को 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, 30 ईयर्स के लिए, तो आप देख सकते हैं कि 18 लाख आपका इन्वेस्ट हुआ, आपको टोटल जो प्रॉफिट मिलेगा 2,60,00,000 मिल जाएगा रिटर्न उस पर, और जो टोटल आपको पैसा मिल जाएगा वो आपको 2.3 करोड़ मिल जाएगा, यानी 2.77 करोड़ रुपीज़ आपके अकाउंट में आपके पास आ जाएंगे 30 साल के अंदर। तो आपने इसके अंदर देखा कि हमारा पैसा, एक छोटा सा अमाउंट हमारा कितने बड़े अमाउंट के अंदर कन्वर्ट हो गया, 2.3 करोड़ रुपीज़, अगर आप 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसे के ऊपर पैसा मिलता है ना, मैं ब्याज के ऊपर ब्याज, इसी अमाउंट से ये पैसा इतना बन पाता है। तो यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा, यानी कि आपका जितना टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा, 10 साल हुआ तो पैसा कितना था आपका, 20 साल हुई तो कितना था, 30 साल थी तो कितना था, और इसी 30 साल को 40 साल कर दीजिए तो यही आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं कितना करोड़ रुपये हो जाएगा। यानी कि अगर कोई एक इंसान सोच ले कि मुझे अगली पीढ़ी को कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो वो खुद इतना इन्वेस्ट कर दे, 50,000 रुपये पर मंथ कर दे, 30,000 रुपये पर मंथ कर दे और 40-50 साल के लिए कर दे, तो उसकी अगली पीढ़ी के लिए कितना पैसा हो जाएगा। तो गाइज, आप इससे देख सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा बेसिकली क्या होता है और इसका कितना योगदान होता है, कितनी अच्छी कैपिटल बन जाती है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि उसमें उस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क कितना है, कितना प्रॉफिट है, कितना उसकी हिस्ट्री कैसी रही है उसकी, और जितना आप रिसर्च अच्छा कर लेंगे उतना ही आपका रिस्क कम हो जाता है, राइट। और जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो उतनी ही जल्दी आपका कैपिटल बनने के आपके सपने होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो गाइज, आपने इस वीडियो के अंदर समझा सीखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और इसका बेसिकली जो करोड़पति बनने की जो प्रोसेस होती है, मिलेनियर बनने की जो प्रोसेस होती है, उसमें योगदान कितना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, जानकारी पूरी मिल गई होगी। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में, जिससे वो भी इन्वेस्टमेंट करने के कुछ तरीके सीखें, गुण सीखें। और आप मुझे मेरे चैनल को मुझे प्रमोट करने के, मतलब मेरे को हेल्प करने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।